दोस्तों, मेरी इस YouTube चैनल चलचित्र पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन का कभी जुदा न होने वाला हिस्सा है। हम बचपन से ही कहानियाँ सुन के बड़े होते हैं और बड़े होके इन कहानियों को हमें मूवीज़ के रूप में देखने का अच्छा लगता है। हमारा भारत देश सांस्कृतिक देश है। देश के अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे कस्बों में हजारों सालों से कई परंपरा चली आ रही है, लेकिन सही ढंग से उसका दस्तावेजीकरण न होने के कारण इन सारी रस्मों और परंपराओं का सही कारण और हेतु आज की पीढ़ी के पास नहीं है। इसी वजह से इसमें से कई रस्मों को अंधविश्वास कहा जाता है या सिर्फ एक रस्म। कर्नाटक राज्य के जंगल के अंदर के गांव में रहने वाले और सालों से अपने पास मौजूद संसाधनों से ही जीवन गुजारने वाले लोगों की जिंदगी पे बनी मूवी कंतारा अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है। कंतारा एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है गहरा जंगल। दोस्तों, कंतारा मूवी की कहानी की शुरुआत होती है सन 1847 से। एक राजा जो सभी तरह से सुखी संपन्न होने के बावजूद माँ बाप के आशीर्वाद की कमी के कारण राजा के मन में शांति का अभाव है। इस शांति की खोज में राजा कई गुरुओं से मिलता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थ स्थानों पे जाता है, फिर भी वो मन की शांति पाने में असफल रहता है। थक कर सब कुछ छोड़कर जब वो एक जंगल से जा रहा होता है, तभी उसे घुंघरू और पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उस आवाज़ की ओर राजा खींचा चला जाता है, तब उसे बाप का आशीर्वाद और माँ की ममता का आभास होता है। आवाज़ की तरफ चलते उसे एक पत्थर मिलता है, जिसे देख के उसके हाथ अपने आप शस्त्र त्याग के श्रद्धा से जुड़ जाते हैं और मन के भीतर अपार शांति का अनुभव होता है। तभी पीछे उस जंगल में रहने वाले लोग और उस पत्थर की पूजा करने वाले पुजारी वहाँ आते हैं। राजा उनसे उस देव को सौंपने की मांग रखता है। तभी पुजारी के अंदर आए वो देव पंजूरी राजा को सुख शांति देने के बदले में वो उस गांव का पंजूरी होने के नाते गांव के लोगों को पंजूर की आवाज़ जहां तक जाती है उतनी ज़मीन देने के लिए कहता है। राजा देव को अपने महल में लेके आते हैं। उसी दिन से गांव के देव पंजूरी मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। तभी से उसी दिन हर साल राजा के महल में कोला नाम का उत्सव मनाया जा रहा है। 1917 में उस उत्सव में राजा का वंशज अपनी जमीन पंजूरी देव का रूप धारण करके नृत्य करने वाले नर्तक से वापस मांगता है और ऐसा न करने पर वो कोर्ट में जाने की धमकी देता है। लेकिन पंजूरी देव का रूप धारण किया हुआ नर्तक ये जमीन गांव वालों की है, ये कहता है। और ऐसा देव बोल रहा है या उसका रूप धारण करके कोई नर्तक, राजा के वंशज के इस सवाल में नर्तक बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये नर्तक तुमको कभी देखने को नहीं मिलेगा। कोला महोत्सव में देव बनने वाला ये नर्तक प्राचीन भाषा में उस राजकुमार से कहता है कि अगर तुम एग्रीमेंट तोड़ोगे तो तुम्हें खून की उल्टी होगी और तुम मर जाओगे, और अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और होता बिल्कुल वैसा ही है। देव बना नर्तक जंगल में भीतर जाके अदृश्य हो जाता है और राजकुमार की कोर्ट के बाहर ही खून की उल्टी होने से मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद का राजवंश का राजकुमार अब साहिब के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ के लोगों के छोटे मोटे प्रसंग में आता जाता है, उन लोगों को अपने घर पे भी बुलाता है, लोगों के दुख में साथ में खड़ा रहता है। लेकिन उसके मन में से भी उस जमीन को वापस पाने का ख्याल नहीं जाता है। इधर गांव से देव का रूप लेके जंगल में गायब हो गए नर्तक का बेटा पूरी तरह से आवारा है और खुद
साहिब के लिए काम कर रहा है और हर साल होने वाले कोला महोत्सव में उसका चचेरा भाई अब नर्तक बनता है। लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इन जंगलों की रक्षा करने के लिए अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपनी नौकरी करते वक्त और फर्ज निभाते वक्त गांव के लोगों को कुछ ऐसा करने से रोकते हैं जो हजारों सालों से वो नियमित और नॉर्मल तरीके से करते आ रहे हैं। इन तीन अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ते हुए और इनमें इन समस्याओं से कैसे साथ मिलकर समाधान लाया जाए, इसी कथा वस्तु पर आधारित है कंतारा मूवी। इस मूवी के डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और मेन एक्टर ऋषभ शेट्टी का इस विषय का अध्ययन काबिल-ए-दाद है और इस प्रकार के डायरेक्शन में वो खुद को ही एक्टर के तौर पे सिलेक्ट करने का निर्णय कितने हद तक सही है, ये तो आपको कंतारा मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी देखने के बाद अपनी कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।